अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद सिफ्तान। दुनिया में ना तीन तरह के इंसान रहते हैं, पहले वो जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, दूसरे नंबर पर वो जो नॉर्मल कमाते हैं, तीसरे नंबर पर वो जिनके पास सिर्फ हाथ फैलाते हैं और कभी भी वो काम नहीं कर सकते। लेकिन मांगने वालों में दो तरह के इंसान हैं, एक वो जो मांगते हैं, एक वो जो सीख रहे होते हैं कि आज यार हमें इस तरह से इंटरनेट से पैसा कमाना है, लेकिन कभी भी उन्होंने रुपया इंटरनेट से नहीं निकाला होता। लेकिन हकीकत तो यही है, खुलकर सामने आ जाती है हर किसी की, क्योंकि इंटरनेट पर यह काम करना मेरे लिए भी यही तरीक़ेकार था। वो तो काफ़ी अरसा दोस्तों की वजह से और तमाम लोगों की वजह से, घर की वजह से भी शिकायत काफ़ी आती रहती थी कि भाई इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जबकि आपको मालूम होता है कि इंटरनेट पर जितना भी आप पैसा कमा रहे हो आपको पता होता है कि कितना मुश्किल होता है जो भी काम कर ले, लेकिन कभी भी हमने दिमाग से काम नहीं लिया होता, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं यहाँ इंटरनेट पर आने की वजह से। तो यहाँ मुख्तलिफ प्रोसेस बताए जाते हैं डेली के हिसाब से, आपको कभी कहा जाता है ये काम कर लें, आज पेज राइटिंग कर लें, आज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, लेकिन कभी भी हमने वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उनको दो या तीन दिन करने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें पैसा तो आ नहीं रहा होता। तो इसी वजह से हम मार खाते जाते हैं और रोज़ बा रोज़ वीडियोज़ देख कर, और दूसरी तरफ से दबाव आने की वजह से हम ये तमाम का तमाम काम हमें छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में क्या करना चाहिए ऐसा फिर कि हमें पैसा भी मिले और हम काम भी करें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले? तो इस काम को करने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही प्रोसेस लेकर आया हूँ, यूट्यूब ऑटोमेशन। इससे आप कमा सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ वही शख्स कमा सकता है जिस शख्स ने मेहनत करनी है, और जिस शख्स ने मेहनत की वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। इस तरह मैं एक डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ, एक चैनल को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। पहले इसकी वीडियोज़ चेक करते हैं कितनी हैं, 42 इसकी वीडियोज़ हैं। अब आपने चेक कर लें 42 वीडियोज़, और हर वीडियो पर जितने भी व्यूज़ हैं वो भी आप चेक कर लें, 4.5 मिलियन। इसके पॉपुलर कैटेगरी में जाते हैं तो ये देख लें इसकी कितनी वीडियोज़ हैं, और ये मिलियन में ट्रेंड कर लो। टोटल का टोटल इसका कंटेंट कहाँ से है, इंग्लिश का। ये तो है पाकिस्तानी, लेकिन इसने अपने रेजिडेंस कंट्री इसने नहीं दे रखी। तो ये काम आप लोगों ने अपने मोबाइल पर करना है। तो इस काम को करने के लिए आप कहेंगे फिर यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ समझना मुश्किल होता है। सबसे काम वो काम मुश्किल होता है जो काम आपने समझना होता है। तो अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लिया तो फिर आप करना शुरू कर दें। दिन में चाहे आप एक वीडियो ही अपलोड कर दें, एक वीडियो पर आपके कितनी देर लगेगी, कितना टाइम आपका खर्च होगा, मैक्सिमम आपका टाइम मैं कह सकता हूँ इस पर 5 मिनट आपके खर्च होंगे। पहले दिन आपका इस पर आधा घंटा खर्च होगा, क्यों? क्योंकि ये काम आपको सीखने में और करने में तो इजी से इसे मेंटेन्स करते जाएंगे और आसानी से ये काम आपका होता जाएगा। और आप ये काम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक दिन में 5 से 7 वीडियोस बना लें, एक घंटा लगा के उनको अपलोड कर दें, 5-7 दिन तो वो अपलोड होती रहेंगे। एक वीडियो आपने डेली की देनी है, और डेली की एक वीडियो को बनाने में आपका टाइम कितना खर्च होगा, ये तो ज़रूरी होता है, बनाने में भी आपका टाइम खर्च नहीं हो रहा, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ आप ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये शिकायत मुझे आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए भाई जान के हमने ये किया लेकिन हमें ये काम हासिल नहीं हुआ। अब आप ये कमेंट करके मुझे लिखें वो एक एक शख्स जिसने ये काम करना है, और अगर उसका चैनल मोनेटाइज ना हो तो फिर आकर मुझे बताना। और इस काम को प्रोसेस को करना कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप मोबाइल पर हम समझेंगे। अगर आप मोबाइल पर ये काम करना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए भी वर्जन अवेलेबल है इस काम के लिए। अभी तक आपने एक गलती कर दी है यहाँ आकर, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ अच्छी जो वीडियो है ना वो अच्छी से अच्छी वीडियो आपको यहाँ अवेलेबल होगी, और नई से नई आने वाली वीडियो में आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जिसके ज़रिए आप रियल में इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं। नोडा AI, ChatGPT एंड कैपकट, हमने 3 ऐप इस्तेमाल करने, और तीनों ऐप्स की मदद से हम काफ़ी खासा कमा सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं गूगल पर आ चुका हूँ, क्योंकि ChatGPT इसलिए मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है AI, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले ChatGPT वाला ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। ChatGPT वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसे ओपन किया हुआ, तो आपने यहाँ पर आसानी से लॉग इन कर लेना। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ये वेट लेगा तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। जैसे ChatGPT ओपन होगी तो यहाँ सेंड ए मैसेज, तो यहाँ पर मैसेज आपने लिखना कि हमने रोमन अंपायर की एक स्टोरी चाहिए, रोमन अंपायर अबाउट हिस्ट्री, तो उसके बारे में ये आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। तकरीबन आपने कहनी है कि 1 मिनट अबाउट इसकी हो, या करेक्टर्स के हिसाब से आप यहाँ से लाइक एज है ह्यूमन आपने यहाँ से राइट करवा लेनी है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिख कर देगा आसानी से।
इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके किसी भी नोटबुक में आपने इसे पेस्ट कर देना, और यहाँ से आपने पहले वाली तीन लाइनें आपने ओपन कर लेनी। तो इनको हमने कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट एक नया ऐप ओपन कर लेना है, जिसे हमने कहा था Lenoda.ai। तो Lenoda.ai इमेज जनरेशन पर आपने आ जाना है, AI जनरेशन पर। तो यहाँ पर आपने आने के बाद ईमेल के जरिए यहाँ लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है ऑप्शन वाले पर। यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया है, यहाँ पर आपने उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ आपके नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा AI जनरेशन। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना और इसे जनरेट कर देना। तो इस तरह से ये आपका जो इमेज है ये जनरेट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी वेट करेंगे तो यहाँ पर नीचे जूम करेंगे। जूम करने के बाद आपके सामने यहाँ नीचे ये AI तस्वीरें बनाकर देगा, जो किसी से भी नहीं मिलती जुलती होंगी। तो इन तस्वीरों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। तो इस तरह से ये स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये आसानी से यहाँ बन जाएंगी, और इन तस्वीरों को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है कैपकट में का। कैपकट में जाएंगे और इन तस्वीरों को थोड़ा सा एनिमेशन में चेंज कर लेंगे, एज ए मोबाइल पर जिस तरह से करते हैं। तो इस तरह से ये तस्वीरें आपके सामने बनना शुरू हो जाएंगी, और ये बन चुकी हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जूम करते थे, यहाँ पर देख लेंगे कि रोमन एम्पायर के हवाले से उसने दो तस्वीरें बना ली हैं। तो नेक्स्ट का ऑप्शन आप नीचे पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपको ये बनाकर देता जाएगा। तो इस तरह से इन तस्वीरों को आपने आसानी से डाउनलोड कर लेना है। के बाद कैपकट को ओपन करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर फोटोज वाले ऑप्शन में आ जाना। तो यहाँ पर जो फोटोज आपने डाउनलोड किए थे इन्हें सेलेक्ट कर लेना। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इनको ऐड कर देना। इस तरह से आप इन फोटोज को चेक भी कर सकते हैं। इनको यहाँ ऐड करने के बाद इस तरह से ये थोड़ा सा वेट करेगा तो ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा जहाँ पर आपकी फाइल्स एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर फाइल एक्सपोर्ट होने के बाद आपके सामने ये फाइल्स इस तरह से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वेट लाजमन करना पड़ता है क्योंकि इतना तेज़ नहीं है जितना हम तेज इसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाली पिक्चर पर आपने क्लिक कर लेना और इसको थोड़ा सा 8 सेकंड तक जूम कर देना। जूम करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एनिमेशन में आ जाना। एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने इन आउट और कॉम्बो तीन ऑप्शन हो गए। तो कॉम्बो वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने नए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आगे आपने Pendulum 1, Pendulum 2 और Pendulum 3, इन तीनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं Pendulum 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, Pendulum 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरह से ये पिक्चर की एनिमेशन उसी तरह से होना शुरू हो जाएगी जिस तरह से मैंने उसे सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये इस तरह से जनरेटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने ये इमेज इस तरह से जनरेट हो जाएगी, और जैसे ये इमेज जनरेट हो जाएगी तो इसको एक मरतबा आपने लाजमन तौर पर प्ले करके चेक कर लेना है कि यहाँ कोई एरर तो नहीं आ रही। अगर एरर नहीं आ रही तो जस्ट आपने ठीक ही कहा किया है। तो इस तरह से इसे प्ले कर लेते हैं। तो ये देख लें इस तरह से ये प्ले होकर आ रही है हमारे सामने। तो ये इमेजेस अच्छी हो चुकी है। इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेना और इसकी जूमिंग 8 सेकंड तक कर लेनी है लाजमन। तो इसके बाद आपने जस्ट इन पीछे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। टेक्स्ट ऐड ए टेक्स्ट पर क्लिक करके इस तरह से आपके सामने एक टेम्पलेट ओपन आ जाएगी। तो इस टेम्पलेट पर आपने जो भी टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया था क्लिपबोर्ड में, और जो आपने नोटबुक पर लिखा था, तो फर्स्ट वाली लाइन वहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देनी। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ जनरेट टेक्स्ट टू वॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ सीरियल मेल फीमेल जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करना चाहें, तो सीरियल मेल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करके इसे जनरेट कर लेता हूँ टेक्स्ट टू वॉइस। वॉइस पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से ये जनरेटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको कट कर देना। कट करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये शो होना शुरू हो जाएगा, और ये अच्छी तरह से वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके बाद इस ऑप्शन टेक्स्ट वाले ऑप्शन को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद इस फाइल को आपने जस्ट एक्सपोर्ट कर लेना। हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इस तरह से इसे क्लिक कर लेना, और यहाँ पर आप जिस तरह से चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी वेट करने के बाद ये 1-2 सेकंड और इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट होने के बाद दोबारा से हमने कैपकट को ओपन करना, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके उसी वीडियो को क्लिक कर लेना जिसको हमने पहले से एक्सपोर्ट कर लिया था। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये आपकी कंप्रेसिंग होकर आपके कैपकट में आ जाएगी। तो कैपकट पर अब नेक्स्ट ऑप्शन पर अब हमने इस वीडियो के साथ एक नया खेल खेलना है, जिससे ये लगेगी कि रियल में ये ह्यूमन की बनाई हुई लाइक एज ए वीडियो है। तो दोबारा से ये कैपकट में ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद आपने जस्ट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑटो कैप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी एज ए टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से ये ऑटो कैप्शन अवेलेबल हो जाएगा। 90 सेकंड पर जाने के बाद यह थोड़ा सा वेट लेगा क्योंकि यहाँ इसने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही यह टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा तो दोबारा से आपने यहाँ AI ऑटो कैप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ
ऐड दे फॉन्ट पर ऑप्शन पर आ जाना है। पर कोई भी आपने बेहतरीन फॉन्ट एज ए डिफॉल्ट फॉन्ट में से कोई भी एक बेहतरीन फॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। इन फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से मैं जैसे ये कोई एक फेकोन वाला ऑप्शन फेकोन फॉन्ट मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको सिखाने के लिए ये कर लूँ। आप बेहतरीन फॉन्ट्स के लिए गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं TTF और यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन दी हुई। इसके बाद एनिमेशन में आना है। एनिमेशन में आने के बाद इन आउट और तीसरा है कंप्रेशन वाला ऑप्शन। तो यहाँ इन और आउट को छोड़कर आप लूप को भी छोड़कर इसके बाद आपके सामने तीसरा ऑप्शन चौथे ऑप्शन पर आ जाना। चौथे ऑप्शन पर आने के बाद आपने यहाँ से स्प्रिंग सेलेक्ट कर लेना है। कैप्शन वाले ऑप्शन में आकर आपने यहाँ से स्प्रिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप स्प्रिंग सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। तो स्प्रिंग वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा इस तरह से इफेक्ट देना शुरू कर जाएगा। तो फिर आपने टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी वेट लेगा तो इस तरह से सेव हो चुका है। तो ये एक ऐड आ चुका है। तो यहाँ पर आपने इस टेक्स्ट को ऊपर ले जाना और जहाँ पर आपको फिट लगे यहाँ पर आपने इसको जूम कर लेना और इसे क्लोज जूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्ले करते हैं, इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट कुछ काफ़ी हो चुका है। और अगर आपने म्यूज़िक लगाना है तो वाइट स्टूडियो से आप हिस्ट्री म्यूज़िक डाउनलोड करके वो भी इन वीडियोज़ में लगा सकते हैं। इस तरह से ये शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी वीडियो बन चुकी है। तो अब इनने जैसे इसे जाना है सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके हाई क्वालिटी में इसे हमने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने जस्ट YouTube को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने एक चैनल क्रिएट कर लेना, कोई भी नाम रख सकते हैं। और इसकी कैटेगरी में USA की वीडियोज़ आप ऑलरेडी मेरे फ़ोन में चेक कर सकते हैं, बहुत से वीडियोज़ मैं इसके बारे में बना चुका। तो इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। अब आपके सामने इसको अपलोड भी कर रहा हूँ और पॉपुलर भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो किस तरह से ये एक्चुअली प्ले कर रही है। जिस की वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई उसी तरह की ये वीडियोज़ बन चुकी है, लाइक एज ए लाइकेबल। तो यहाँ पर एडिट डिटेल के ऑप्शन पर आपने यहाँ पर कैप्शन लिखना, कैप्शन वही लिखना जो आपने रोमन एम्पायर के मुतालिक लिखा था। यहाँ पर कोई भी टाइटल लिखो, कोई भी लिखो, जस्ट आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। किसी भी सर्च शॉर्ट्स का सर्च के मुतालिक कोई भी चीज़ नहीं ज़रूरी होती। तो यहाँ पर आपने लाजमन तौर पर एक चीज़ ज़रूरी है, हैशटैग शॉर्ट्स, वो आपने लाजमन देना होता है। रोमन एम्पायर, तो यहाँ पर मैं रोमन एम्पायर ही लिख लेता हूँ सादा सा। यहाँ पर आपने टाइटल कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं करता सर्च से कंटेंट आए या ना आए, ये ऑटो सर्च में चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख लेना हैशटैग शॉर्ट देखा। अनलिस्टेड ये वीडियो नहीं है तो इसे अनलिस्टेड नहीं करना, एज ए पब्लिक कर देना, डायरेक्ट पब्लिक करते रहना इन वीडियोज़ को। या आप टाइम टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम टेबल बेस्ट रहेगा क्योंकि डेली की वीडियो एक ही टाइम पर पब्लिक होगी। तो यहाँ पर इसे हम अपलोड कर देते हैं और इस तरह से कमा सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियोज़ और भी देख लें इसी की तरह की लाइकेबल हैं। तो ये भी 5K, $10K मंथली कमा रहे हैं सिर्फ 43 वीडियोज़ अपलोड करके। सिर्फ एक वीडियोज़ वो एक हफ्ते में अब अपलोड करते हैं क्योंकि आप उन्हें अपने चैनल को वायरल कर लें तो फिर चाहे आप एक हफ्ते के बाद भी एक वीडियो अपलोड करें तो अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक चैनल ओपन करके मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है और अब भी दिखा रहा हूँ कि इस चैनल के मुतालिक ऐसी वीडियोज़ आप बना सकते हैं और ये तमाम कुछ जो काम है ChatGPT की मदद से कर सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमन तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके रिलेटेड आपको वीडियोज़ यहाँ पर इस चैनल पर मुख्तलिफ अर्निंग की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी।